तो चलिए स्टूडेंट, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और अब ए लेवल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे डायरेक्ट या फिर इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि अभी आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है 31 मई तक। 31 मई से पहले आप जो है ए लेवल का एग्ज़ाम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और साथ ही एग्ज़ाम लॉग भी कर सकते हैं और जुलाई वाले एग्ज़ाम में उसको पास भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, लास्ट मौका आपको दिया जा रहा है। नहीं तो फिर वो बच्चे क्या होगा, जनवरी में उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इससे संबंधित वीडियो यहाँ पर बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट है। लेकिन ये एक डेडिकेटेड वीडियो है उन बच्चों के लिए अभी, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। सर्टिफिकेट अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये वीडियो देख के अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनके प्रोजेक्ट पहले से सबमिट थे उनके ही सर्टिफिकेट अभी आए हैं। जिनके सर्टिफिकेट 2023 में प्रोजेक्ट 2023 में सबमिट हुए हैं उनके 10 जून के बाद से डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लें। तो जो बच्चे ओ लेवल पास हैं अब वो कैसे ए लेवल कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आपने ओ लेवल पास कर ली है तो आपका 4 पेपर आपके लेस हो जाते हैं, क्योंकि आपने M1, M2, M3 और M4 वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं देने पड़ेंगे, तो आपके 4 पेपर यहाँ से कम हो जाएंगे। यानी कि देख लीजिए, सेम है सिलेबस आपका A1, A2, A3 और A4, ये आपका सेम ही मॉड्यूल है, ठीक है। अब ये 4 पेपर आपको नहीं देने होंगे। यहाँ पे देखिए A4 का नाम यहाँ पे गायब है इसमें PDF में, तो ये नलेट को करेक्शन यहाँ पे करना चाहिए। फिलहाल मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ अदर जगह पे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा A4, ठीक है, A3। तो ये यहाँ से आपके एग्ज़ाम हट जाएंगे, ये आपको नहीं देने होंगे। आपको कौन कौन से देने होंगे मैं जूम करके दिखा देता हूँ सिंपल सा, एक बार आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएगी। अब जो ओ लेवल पास करने के बाद बच्चे आएंगे उनको देना होगा A5 का एग्ज़ाम, A6 का नोट कर लीजिए, A5 R5.1, A6 R5.1, A7 A8, ठीक है। कितने पेपर होगा, 4 पेपर। 4 पेपर ये कंपलसरी है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका है C++ का, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन का है, ठीक है, CSA इसको बोलते हैं, और ये डेटाबेस आपका DBMS, ठीक है, और ये सिस्टम टेस्टिंग। तो ये 4 तो आपको देने देने हैं, प्लस इसमें 2 और देने हैं, ठीक है, टोटल 6 आपको देने हैं। तो 2 कौन से देने हैं, कोई एक स्पेशलाइज्ड एरिया आपको सेलेक्ट करना है जो कि आप फ्यूचर में उसमें काम करना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि A9.1 आपका है बिग डेटा एनालिस्टिक्स, हैडूप के साथ है और ये पाइथन के साथ है, आप इसके साथ जा सकते हैं। तो ये 2 लेंगे तब भी आपके 6 पेपर हो जाएंगे, ठीक है। या ये नहीं लेना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग यूजिंग PHP या फिर फुल स्टैक वेब डिजाइनिंग करना चाहते हैं, तो आप A9.2 वाला ले सकते हैं, तब भी आपको 6 पेपर देने पड़ेंगे। या फिर सबसे ईजी मॉड्यूल है A9.3, A10.3, जो कि टोटल थ्योरी बेस्ड है, आपका नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं, और ये हम आपको रिकमेंडेड करेंगे, इसकी हम क्लास भी आपको देंगे, ठीक है। और बाकी जो है थोड़े से प्रोग्रामिंग बेस्ड है, जैसे कि A9.4, A10.4 भी आप ले सकते हैं। ये आपके हो जाएंगे 6 पेपर, ठीक है। तो 4 आपके ऊपर वाले हो गए, 4 आपके ये हो गए, ठीक है, A5 से देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 ये हो गए और बाकी 2 ये हो गए आपके। तो कितने पेपर हो गए, 6 पेपर हो गए, ठीक है। और एक प्रैक्टिकल आपका देना होगा खाली, ठीक है। एक प्रैक्टिकल जो होगा वो किस बेस्ड होगा, एक प्रैक्टिकल होगा वो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे A5, 6 और 7 में, इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं। और एक प्रोजेक्ट बनेगा खाली मेजर वाला आपका, ठीक है, जो कि कब बनेगा, जब आप 5 एग्जाम आप पास कर लेंगे विद A9 और A10 मॉड्यूल के साथ, उसके बाद वो सबमिट होगा। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं प्रोफाइल दिखा देता हूँ कैसे आपको दिखाई देगी, कैसे लॉक करना है। तो जो लोग ऑलरेडी ए लेवल में एडमिशन ले चुके हैं, जैसे कि देखिए ये प्रोफाइल है, अब ये बच्चा ओ लेवल देखिए कंप्लीट है, पहले इंस्टीट्यूट से किया था, इन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है 2022 में डायरेक्ट के लिए, तो इनके प्रोफाइल में ऑटोमेटिकली शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल सा जाएंगे यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्ज़ाम पे और सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इंग्लिश मीडियम, और पहले यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा था, वो अपना नलेट ने सही कर दिया वेबसाइट को। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन का ऑप्शन आ रहा है। ऑफलाइन का क्यों आ रहा है, क्योंकि A5 से लेके जितने ही पेपर होंगे A5, A6, A7, ये सारे आपके ऑफलाइन मोड पे होंगे, लिखने वाले पेपर होंगे 40 और 60 के पैटर्न पे, जिस
और टोटल इंग्लिश में आपको इसमें लिखना है, इंग्लिश में ही पेपर होता है, हिंदी में नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, तो अब इसमें आपको ऑफलाइन दो सेंटर सेलेक्ट करने हैं। तो ऑफलाइन के जो सेंटर, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट करते हैं, तो सिर्फ दो ही जगह सेंटर अवेलेबल हैं, तो आपको इन्हीं दोनों में ही देना जाना पड़ेगा, चाहे आप भले ही किसी और स्टेट में रहते हो। तो एक ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत की वाली समय है। पिछले साल क्या था, हर जगह आपको सेंटर मिल जाता था, लेकिन इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी में दो ही सेंटर अवेलेबल है। उसके बाद आप जैसे लॉक करते हैं, मान लीजिए आपने चारों पेपर इस प्रकार से लॉक कर दिए, और एक ऑप्शनल वाला जैसे कि 9.3 अगर लेंगे, तो उसका ऑटोमेटिकली 10.3 आपको लॉक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पूरा अगर लॉक करते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ, तो टोटल फीस पड़ेगी 5100 रुपये, ठीक है। तो एक बच्चा हमारे पास है जिन्होंने देखिए लॉक किया हुआ है सेंटर वगैरह सब कुछ इस प्रकार से, इन्होंने A5, A6, A7, A8, 9.3 और 10.3 लॉक किया है, और पेमेंट भी के लिए कितनी 4600 रुपये। प्रैक्टिकल उन्होंने देखिए अभी लॉक नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल इनका पेंडिंग है। तो इस प्रकार से आप इसको है सभी को लॉक करके, और उसके बाद यहाँ से जाके पेमेंट करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, समझ में आ गया। और दूसरे जो बच्चे हैं जिनका ट्रांसफ़र वाला सिस्टम है, तो उनको करना है जाना है माई कोर्स पे, जिनका ओ लेवल वाला है, और यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है ए लेवल। ए लेवल सेलेक्ट करके और ये वाला फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। ओ लेवल वालों का बता रहा हूँ, जो बच्चे ओ लेवल करके आए हैं उनको ये फॉर्म भरना है और यहाँ से सबमिट कर देना है। तो आपका क्या होगा, ओ से ए लेवल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, यहीं से ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करना है कि इंस्टीट्यूट से करना है, यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर ओ से ए लेवल में करने का, और कोई दिक्कत नहीं होगी। इजली पूरा मटेरियल यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, जो भी आप कोर्स परचेज करेंगे, A5, 6, 7, 8, 10.3, 9.3 और 8 यहाँ पे अवेलेबल है, और कुछ एक्स्ट्रा भी PDFs यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि 9.4 वगैरह भी जो है हमारे पास अवेलेबल है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे A9.4 और 10.4 भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर और डिमांड आएगी तो वो भी हम यहाँ पे बना के आपको दे देंगे, और सभी के MCQs यहाँ पे लगे हुए हैं सीरीज वाइज, इसको ओपन करके आप इजली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, और सभी की क्लास भी अवेलेबल है हमारे पास अभी, A5, A6 और A7 की कम्प्लीटली बैच अवेलेबल हैं, ठीक है। A8 की स्टार्ट करेंगे जल्दी, और A9.3 की अभी चल रही है। तो इस प्रकार से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है स्क्रीन पर, 7007 6594 85 पे मैसेज करके आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।